नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत कुमार उषा मेटल से रिसाइकिल इंडस्ट्री में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट या मेटल स्क्रैप इंडस्ट्री में किसी को अगर मेरी कंसल्टेंसी चाहिए हो तो मैं उसमें पूरी सेटअप लगाने से लेके मटेरियल सप्लाई तक का पूरा सपोर्ट मैं करता हूँ। सेल से लेके परचेज तक मैं पूरा उनकी हेल्प करता हूँ और वो मेरे पास आ सकते हैं। और मेरा भी खुद का यही काम है जो मेटल स्क्रैप का, मैं ट्रेडिंग, लोकल ट्रेडिंग और इंटरनेशनल ट्रेडिंग दोनों करता हूँ, तो मैं उनकी पूरी हेल्प कर दूंगा। जो भी आना चाहे वो आ सकता है। और दोस्तों, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। और दोस्तों, ये मैंने एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें क्वेश्चन आंसर्स होंगे। मैं ऐसे हर हफ्ते एक वीडियो बनाऊंगा कि हफ्ते भर में जो किसी ने मेरे से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे होंगे तो मैं उसके इस वीडियो के थ्रू मैं आपको पूरा जवाब दूंगा, डिटेल में दूंगा। और भी ज़्यादा डिटेल में अगर कोई क्वेश्चन क्लियर करना है तो मेरी कंसल्टेंसी में आ सकते हैं। ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो है और इसी टाइप के वीडियोस हर हफ्ते आएंगे इसी टाइम पे। मंडे टू मंडे मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें टॉप 10 जो क्वेश्चंस होंगे मैं उसको लूँगा और आपको उसमें आंसर दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फैजान सिद्दीकी जी ने सवाल पूछा है, सर एल्युमिनियम इनगोट दिल्ली में कहाँ सप्लाई करें और मैं डायरेक्ट देना चाहता हूँ। तो आंसर ये है फैजान सिद्दीकी जी, एल्युमिनियम इनगोट की सप्लाई सीधे आप एल्युमिनियम मैन्युफैक्चरिंग को करें जो एल्युमिनियम से संबंधित आइटम बनाते हैं, जैसे केबल हो गया, ब्लॉक्स हो गया, यहाँ पे आप अपना एल्युमिनियम इनगोट सप्लाई कर सकते हैं। और ये डायरेक्ट होता है, इसमें बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता है। आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कॉन्टैक्ट कीजिए, उनके पास जाइए, टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर रखना और आराम से आप अपना इनगोट बेच सकते हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे सब्सक्राइबर हैं मिनी माइनी युवा, इनका ये सवाल था कि भाई अगर मुझे ये बिज़नेस स्टार्ट करना है तो मुझे एक दिन में कितना पैसा मिल सकता है। तो इसका सवाल का जवाब है, दोस्त इस बिज़नेस में 6 महीने से लेकर 1 साल लग जाता है पूरा बिज़नेस स्टार्ट प्रॉपर रनिंग में लाने के लिए, और पर डे प्रॉफिट डिपेंड करता है बिज़नेस के साइज पर, आप किस साइज़ पे आप बिज़नेस कर रहे हैं। ऐसा कुछ एस्टिमेट नहीं है इस बिज़नेस में कि आप 1 लाख लगाएं 12 घंटे में पैसा डबल, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत टाइप की ग्रेड्स होते हैं और किस ग्रेड में आप डील कर रहे हैं इसका एस्टिमेट लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे आयरन हो गया, आयरन में बहुत टाइप की ग्रेड्स होते हैं, रोलिंग, मेल्टिंग, एल्युमिनियम में बहुत सारे ग्रेड्स होते हैं, जैसे आपका केबल्स हो गया, कंडक्टर्स हो गया, इस प्रकार से आप किस में डील कर रहे हैं उस हिसाब से उस पर मार्जिन निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोद शर्मा जी पूछ रहे हैं, सर स्क्रैप का डेली रेट देखने के लिए बेस्ट वेबसाइट कौन सी है। तो दोस्त, वेबसाइट पे जो रेट्स आते हैं वो स्टेट वाइज नहीं आते हैं, वो ऑल ओवर कंट्री के हिसाब से आते हैं रेट। स्टेट बाई स्टेट अगर रेट लेना चाहते हैं उसके लिए कोई वेबसाइट नहीं है, वैसी पर्टिकुलर जितनी सी कोई वेबसाइट नहीं है, लेकिन जो भी लोग ये वेबसाइट पे अपडेट करते हैं वो सब फर्जी रेट होते हैं, टोटली फर्जी रेट होते हैं, आप उसमें डील ही नहीं कर सकते हैं। सुबह रेट बढ़ता है, शाम को रेट घट जाता है, ये ऐसा लगभग, और जो भी इसके रेट निकलते हैं ये घंटों के हिसाब से चेंज होते हैं। अब ऐसा नहीं सुबह 600 पे खुला है तो शाम को भी 600, 590 या 500 भी ऐसे बढ़े, ऐसा नहीं होता है, ये हर घंटे रेट बढ़ता है। और इसके सही रेट की अगर आपको जानकारी चाहिए तो जहाँ से भी माल आप खरीद रहे हैं वहाँ से 100-200 किलोमीटर के अंदर जो भी फैक्ट्रीज आती हैं आप सीधा रेट वहाँ से उठाइए, वो आपको रेट बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे, हर घंटे के हिसाब से रेट बताते हैं। तो इसका एक सही तरीका ये है, वेबसाइट पे मत जाइए, वेबसाइट के थ्रू अगर कहीं से ही माल परचेज करेंगे तो हमेशा घाटा ही होगा। अपने जो जिनको आप माल बेचते हैं आप सीधा उनसे रेट उठाइए, क्योंकि जहां माल आपको बेचना है वहां से रेट उठाओ, ना कि वेबसाइट पे उठाओ। अब दिल्ली का रेट समझ के आप झांसी या लखनऊ में थोड़ी ना माल खरीदेंगे, जहां आपको माल बेचना है वहां से रेट उठाओ, वो सबसे बेटर रहेगा, वेबसाइट चेक करें मत रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अनुपमा निगम जी हैं, सर आप स्कैम और फ्रॉड की वीडियो बनाते हैं क्यों। तो इसका आंसर ये है अनुपमा जी, कि ज़्यादातर लोग इस बिज़नेस में जो लोग हैं उनको स्क्रैप के बारे में इतनी जानकारी नहीं है कि वो अपने आप को बचा सकें। कई लोग मुझे फ़ोन करके आते हैं कि भाई साहब मेरे साथ ये स्कैम हो गया, मेरे साथ ये फ्रॉड हो गया और इतने लाख का घाटा हो गया। तो मैं स्कैम वीडियो सिर्फ इसलिए बनाता हूँ ताकि वो इससे अपडेट रहें, उनको पता हो कि इस मार्केट में किस तरीके से स्कैम होते हैं। अगर आपके साथ भी अगर हो रहा होगा, अगर आपने मेरे वीडियो देखा हो तो आप बच सकते हैं। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से सिर्फ लोगों को जागरूक रखना चाहता हूँ। अगर मेरे एक वीडियो से उनका लाखों के स्कैम होने से बच रहे हैं तो मेरे लिए इसमें ज़्यादा फ़ायदा मुझे होगा, उनको नहीं होगा, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, और अगर उनका पैसा बच रहा है तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। मुझे कई लोग फ़ोन करके आते हैं, भाई साहब आपकी वजह से मेरा ये डील हो रही थी, मैंने आपको आपने जैसे मुझे बताया मैंने वेरीफाइड किया, उस सबसे पूछा, तो जो फ्रॉड करने स्कैम करने वाले हैं उन्होंने मेरा आप फ़ोन उठाने ही बंद कर दिया। क्योंकि आप जब सही चीज़ सही जगह टारगेट पर लगाते हैं तो ही आपको चीज़ आपको मिलती है। तो अपने वीडियो के माध्यम से सिर्फ मैं अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये भुक्कड़ बिल्लू है। अब ये पता नहीं लोग कैसे कैसे नाम रख लेते हैं अपने, लेकिन बोलने में थोड़ा अजीब लगता है। ये भुक्कड़ बिल्लू हैं, इनका एक क्वेश्चन है कि सर आपसे डील कैसे कर सकते हैं और कंसल्टेंसी से मुझे क्या फ़ायदा होगा और आपके क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। तो उसमें 3 क्वेश्चन इन्होंने मुझसे पूछे हैं। तो देखिए, आप हमसे कंसल्टेंसी, इसमें 2 तरीके क्या है भाई साहब। अगर आप सीधा मेरे से डीलिंग करना चाहते हैं तो आप एग्रीमेंट पे डील कर सकते हैं, और एग्रीमेंट का कुछ पैसा मैं लेता हूँ, वो पैसा रखने के बाद मैं डील करता हूँ, और फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जितने भी होते हैं वो काटा पेमेंट पे होते हैं। मैं फर्स्ट टाइम पैसा रखता हूँ अपने पास ताकि मुझे भी सिक्योरिटी चाहिए होती, सामने वाला मेरे से डील कर रहा है कैसे कर रहा है। मैं इस पर वीडियो बनाया है, मैंने, आप वो देख सकते हैं। और इसके एक क्वेश्चन और था कि कंसल्टेंसी में आपको क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। तो कंसल्टेंसी में सीधी बात ये रहती है कि मैं आपको पूरा बिजनेस गाइडेंस करता हूँ, और आपको परचेजर, सेलर या फिर स्टार्टिंग में जो भी प्रॉब्लम होती हैं वो मैं उसको सॉल्व करके देता हूँ। और ये थ्योरेटिकल भी होता है और प्रैक्टिकल भी होता है। इसके लिए मैंने वीडियो अलग से सारी चीज़ें बना रखा है, वो भी देख सकते हैं जाके। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा कि आपके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, कि अगर आपको मेरे टर्म्स एंड कंडीशन समझना है तो जिसको भी डील करना होता है, कंसल्टेंसी लेनी होती है, तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। मैं अपने टर्म्स एंड कंडीशन का जो PDF फाइल है वो मैं आपको भेज दूंगा, उसमें सारी चीज़ डिटेल में लिखी रहती हैं। नेक्स्ट सवाल है, ये पूरब तिवारी जी हैं, इन्होंने एक सवाल पूछा है, कोई ऐसा काम हो तो बताओ भाई जिससे जिससे कम टाइम से ज़्यादा रुपये कमा सकें। तो पूरब तिवारी जी, पहली बात तो ये है कि कोई ऐसा काम नहीं है, कोई भी काम होता है उसमें टाइम लगता है, उस टाइम के हिसाब से पैसा कमा पाते हैं आप। ऐसा कोई स्कीम नहीं होता जिसमें 1 लाख डालो अगले 2 घंटे 5 लाख 5 करोड़ कमा लो, ऐसा कुछ नहीं है। वो फर्जी यूट्यूबर हैं, वो डालते रहते हैं, आप उनकी वीडियो देख के आप क्या पता कमा भी लें, मुझे उसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, मैं ऐसी कोई गारंटी दे नहीं सकता हूँ, लेकिन हकीकत बात यह है आपके क्वेश्चन का आंसर, कि ऐसा कोई भी लीगल वे में काम नहीं है जिसमें आप कुछ दिनों में करोड़पति बन जाए। हाँ, बस स्क्रैप मेटल बिजनेस में ऐसा हो सकता है कि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करके पैसा इन्वेस्ट करके क्वांटिटी पे तो आप उसमें कमा सकते हैं, क्योंकि स्क्रैप मेटल बिजनेस में सीधा सीधा ये होता है कि आपने एक पॉइंट से माल खरीदा, दूसरे पॉइंट पे माल बेचा, सिर्फ उसके बीच में जो टाइम पीरियड लगता है 4 से 5 दिन, सिर्फ उतना ही रहता है पैसा का इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आपका पैसा आपको वापस मिलता है इन्वेस्टमेंट के साथ, तो वो भी धीरे धीरे आता है। मैं ये नहीं कह सकता कि वो 4 दिन में 5 दिन में आप करोड़पति बन सकते, ऐसा नहीं हो सकता, कहीं कोई नहीं करा सकता ऐसा। जितने भी बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर ये सब बैठे हुए हैं और कोचेस बैठे हुए हैं, ये भी नहीं कर सकते। अगर ये ऐसा करते होते तो ये खुद अपना पैसा डबल कर लेते। शॉर्ट टाइम में पैसा तो कोई भी नहीं कमा सकता, मेरे मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। दुनिया में हर टाइप का इंसान है और हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, तो आप वो आप पे डिपेंड करता है आप किसका एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं किसका नहीं। तो पूरा तिवारी जी, शॉर्ट टाइम में पैसा कमाना का आप सपना ना देखें, आप एक प्रॉपर एक बिजनेस खोलें, उस बिजनेस को रन करें, धीरे धीरे उससे पैसा आएगा आपके पास, और आराम से हो सकता है कि 8-9 साल में आपका पैसा, मेरे ख्याल से आपने 1 लाख लगाया हो, क्या पता धीरे धीरे आपका इन्वेस्टमेंट 10 लाख हो जाए। 10 लाख में फिर प्रॉफिट मार्जिन भी उसी हिसाब से आता है, इन्वेस्टमेंट क्वांटिटी ये सब बहुत कुछ चीज़ें रहती है, उसको देखना पड़ता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ये रिशु पवा जी हैं जो पूछते हैं कि पुनीत भाई डेली रेट कैसे मिल सकता है सारे कॉमोडिटी का। तो दोस्त, डेली रेट्स जो कॉमोडिटी के निकलते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज से निकलते हैं। आप उनकी वेबसाइट पे जाकर डेली मार्केट रेट जो कॉमोडिटी के फिनिश गुड के होते हैं वो आपको वहाँ से मिल सकते हैं, लेकिन स्क्रैप के रेट वहाँ से नहीं मिलते हैं। स्क्रैप के रेट जहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो आपको बड़ी लेवल पे काम करते हैं, जो रेट खोलते हैं, या फिर जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कंपनीज होती हैं वो रेट खोलती हैं। जैसे इंडिया में तो आपको स्टॉक एक्सचेंज और लोकल फैक्ट्री से रेट मिलते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्री अगर रेट लेना चाहो तो LME के थ्रू आप रेट ले सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्तजा मास्टर जी हैं, इनका सवाल है कि सर इस बिज़नेस को करने के लिए कितनी स्पेस चाहिए। तो दोस्त, इसमें इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट और वॉल्यूम पे डिपेंड करता है सारा, कि किस वॉल्यूम पे आप काम कर रहे हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दे सकता हूँ कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो 5 से 10 हज़ार स्क्वायर फीट नॉर्मली चाहिए होता है, क्योंकि उतने हिसाब से माल भी आता है तो आपको स्टोर करने के लिए जगह चाहिए होती है। और अगर आप 5 लाख से 1 करोड़ के बीच में काम कर रहे हैं तो आराम से 1,000 स्क्वायर फीट से लेके 6,000 स्क्वायर फीट 7,000 स्क्वायर फीट ऐसे चाहिए होता है। ये डिपेंड करता है कितनी वॉल्यूम है, क्योंकि 1 करोड़ का माल भाई बहुत होता है, ठीक है, तो उस हिसाब से रहता है। अब 5 लाख के इन्वेस्टमेंट में आपका 20 टन 30 टन माल आ जाता है, तो उस हिसाब से उसको जगह भी उतनी चाहिए होती है, और लोहा बहुत जगह लेता है। ये भी डिपेंड करता है कि आप किस मेटल में डील कर रहे हैं, एल्यूमिनियम में कर रहे हैं, कॉपर में कर रहे हैं, तो वो उतनी थोड़ी कम जगह में हो जाएगा, लेकिन 20 टन लोहा बहुत होता है, उसमें जगह ज़्यादा लेते हैं वो। तो वॉल्यूम
और किस मेटल में डील कर रहे हैं, उस हिसाब से अपने जगह का चुनाव करना पड़ता है। ये नेक्स्ट सवाल लेते हैं, ये खान जी हैं, इनका सवाल ये है कि हाउ टू गेट पीसीबी सर्टिफिकेट। तो खान जी, इसका जवाब ये है कि आप किसी भी जगह हो, जैसे आप दिल्ली में तो सेंट्रल का बनेगा और स्टेट में है तो आपका स्टेट का बनेगा, ठीक है। तो स्टेट में जाने के लिए स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफिस होता है, आप वहाँ जा सकते हैं। वो आपके ज़िले में भी हो सकता है, आपको सर्च करना पड़ेगा उसकी वेबसाइट पे जाके। अगर आप यूपी में हैं तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा बनवाने में। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो उस स्टेट के जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है उसकी वेबसाइट पे जाके उस पर सर्च कीजिए। आप अगर आपके इलाके में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ऑफिस है तो वहाँ जा सकते हैं, नहीं तो आप अपना, जैसे मैं यूपी में रहता हूँ, लखनऊ में जाके मेरा बनता है तो मैं लखनऊ से बनवा देता हूँ। वैसे ही हर स्टेट में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफिस होता है, हर जगह के अपने अपने नियम और कायदे हैं, उस हिसाब से वो बना के देते हैं। ये ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चर दोनों के लिए बन सकता है, लेकिन तरीके दोनों के अलग अलग हैं। और आप ये जानते हैं कि बिना ले दे तो उसमें काम होता ही नहीं है, तो सरकारी डिपार्टमेंट में जितना भी काम होता है सब ले दे के ही काम होता है। तो ये भी अपना माइंड सेट करके जाएँ कि भाई हम अगर बनवाने जा रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ लेंगे। नेक्स्ट सवाल है, सब्सक्राइबर है हमारे -2929 का सवाल है, स्क्रैप कंप्यूटर UPS कितने में मिलेगा रेट। तो स्क्रैप कंप्यूटर UPS अलग अलग साइज और शेप के आते हैं और उनकी जो कैपेसिटी के हिसाब से उनकी सेल परचेसिंग होती है। कंप्यूटर में छोटे भी लगते हैं, बड़े भी लगते हैं, लेकिन मैं आपको छोटे रेट का बता देता हूँ जो नॉर्मली कंप्यूटर में लगते हैं। उसका जो रेट है 100 रुपये से लेकर 150 रुपये पर पीस के हिसाब से। ये कई लोग उसको KG के हिसाब से भी खरीदते हैं और कई लोग इसको पीस के हिसाब से भी खरीदते हैं। मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप पीस के हिसाब से बेचें, KG के हिसाब से थोड़ा कम रेट मिलता है। तो आई थिंक दोस्तों आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, जितने ही मैंने क्वेश्चंस लिए हैं आपको। अगर मैंने कुछ आंसर में गलत बोला हो या फिर गलत आपको इन्फॉर्मेशन दी हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, और ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ जाके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और भी सब ऐसी मैं हर मंडे टू मंडे जितने क्वेश्चन मेरे पास कमेंट के थ्रू आते हैं मैं उसको लूँगा और उसके क्वेश्चंस के आंसर आपको दूँगा। तो दोस्तों इसलिए मैं कहता हूँ कमेंट करते रहिए ताकि आपके में जो क्वेश्चंस हैं मैं क्लियर करता रहूँ उनको। तो ये नई इस सीरीज़ का पहला वीडियो था और ऐसे ही हर मंडे टू मंडे आता रहेगा ये, इसलिए कमेंट कीजिए जो भी आपके क्वेश्चंस हो। तो दोस्तों चैनल पे पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। और अगर कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं और आप मेरे साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप नंबर नीचे दे रखा है, मैं आपको टर्म्स एंड कंडीशन डिटेल भेज दूँगा। आप उसको पढ़कर अपने हिसाब से अगर करना चाहें साथ में तो आ सकते हैं, हम मिलके भी काम कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। नमस्कार।